तो आंखों में धूल झोंकना, ये कहावत तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन क्या आप सुनोगे कि किसी बंदे ने दूसरे की आंखों में आग झोंक दी? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि रॉ का एक ठीक ठाक सा एडिशन था। शो के ऊपर ड्रू मैकइंटायर अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाते, लेकिन उनकी जगह आते हैं द किंग ऑफ द किंग्स द सुरेबल असैसिन द गेम ट्रिपल एच। और ट्रिपल एच शो के ऊपर आते हैं, रैंडी ऑर्टन उन्हें कन्फ्रंट करते हैं। मेन इवेंट के अंदर होता है ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन का एक काफी अच्छा मैच, लेकिन शो के ऊपर फिर एलेक्सा ब्लिस आती हैं और वो रैंडी ऑर्टन की आंखों में लगा देती हैं आग। तो क्या कुछ पूरी स्टोरी थी आज के शो की, क्या कुछ चीज हुई शो के ऊपर, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं बात। तो अगर आपने आज का मंडे नाइट रॉक एपिसोड मिस कर दिया, आपको वीडियो को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। एंड हर बार की तरह, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के मंडे नाइट रॉक एपिसोड की शुरुआत होती है द किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच के साथ। ट्रिपल एच रिंग के बीचों बीच आते हैं, वो माइक लेते हैं और वो कहते हैं काफी लंबा टाइम हो गया मैंने ये बात नहीं कही है कि वेलकम टू थंडरडोम, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। तुरंत वहां से रैंडी ऑर्टन आते हैं अपने स्लो मोशन वाले एंट्रेंस के साथ, वो हंसते हुए रिंग के बीचों बीच आने चलते हैं और वो कहते हैं आज ड्रू मैकइंटायर जो कि WWE चैंपियन है वो आ नहीं पाया, इसलिए तुम यहां पर सूट बूट या फिर ऑफिस वाले कपड़े पहनकर आए हो। फिर रैंडी ऑर्टन रिंग के बीचों बीच आते हैं और वो कहते हैं ट्रिपल एच मैं जानता हूं तुम यहां पर क्यों आए हो, ड्रू मैकइंटायर यहां पर आ नहीं पाया, तुम यहां पर आए हो मुझे यानी कि रैंडी ऑर्टन को एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी देने के लिए, या फिर तुम यहां पर यह कहने आए हो कि एक बार फिर से तुम अपनी जिंदगी के पूरे कैरियर के आखिरी बार 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर होने जा रहे हो। यहां पर ट्रिपल एच कहते हैं कि अगर तुम्हें चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी चाहिए, तुम्हें 30 मेंस रॉयल रंबल मैच जीतना होगा, तुम वो जीतो तुम्हें चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी जरूर से मिलेगी। फिर यहां पर रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अगर ट्रिपल एच तुम यहां मुझे फायदा या फिर कोई बेनिफिट देने नहीं आए हो तो तुम्हारा रीजन क्या यहां पर आने का। ट्रिपल एच कहते हैं अब तुमने की है फायदे वाली बात, तो देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से देखता हुआ आ रहा हूं, अभी भी मैं टेलीविजन पर तुम्हें देखता हूं तुम किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से रिंग के बीचों बीच परफॉर्म करते हो, लेकिन जो तुमने चीजें की थी ना रॉ के लेजेंड्स नाइट वाले एपिसोड के ऊपर कि तुमने काफी सारे लेजेंड्स की डिसरेस्पेक्ट किए, जैसे बिग शो हो गया, शॉन माइकल, मार्क हेनरी और वन ऑफ द मेरा फेवरेट यानी कि रिक फ्लेयर की भी तुमने वहां पर बेइज्जती की थी। फिर वो कहते हैं मैं जानता हूं कि जो चीज तुम्हारे और ड्रू मैकइंटायर या फिर कह लो WWE चैंपियनशिप के बीच में आ रही थी, तुमने उसे पूरी तरीके से खत्म किया, तुमने फीड को जला के राख कर दिया। मैंने देखा टेलीविजन के ऊपर तुमने अपने हाथ में माचिस ली और तुम जानते थे इससे फीड को काफी नुकसान होगा और तुमने वहां पर फीड को जला कर रख दिया। फिर यहां पर ट्रिपल एच कहते हैं कि तुमने जो फीड के साथ किया वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो तुमने चीजें रिक फ्लेयर के साथ की थी उससे मुझे काफी गुस्सा आया था तुम्हारे ऊपर और मन ऐसा कर रहा था कि मैं तुरंत आऊं और तुम्हें वहां पर धो दूं आके। फिर यहां पर ट्रिपल एच जो है इन बातों को करके रिंग को लीव करने चलते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच को रोक लेते हैं। वो कहते हैं क्या ट्रिपल एच आज तुम मेरे से फेस करना चाहोगे, क्यों ना हम दोनों के बीच एक मैच हो जाए, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर तो शो के ऊपर आया नहीं है। क्या अभी तुम्हारे अंदर वो सुरेबल असैसिन बाकी है, क्या अभी भी तुम द गेम हो, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर वो किंग ऑफ द किंग्स बाकी है, अगर बाकी है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और आज रात को हम दोनों के बीच एक मैच होगा। ट्रिपल एच सुनते नहीं है, वो कहते हैं मेरा इसमें कोई फायदा होने नहीं वाला है इसलिए मैं यहां पर नो कहूंगा। वो रिंग को लीव करने चलते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन यहां पर एक और टॉन्ट मार देते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि आज तुम्हारी वाइफ यहां पर स्टेफन मैकमैन नहीं है और पहले तुम उससे जाके परमिशन लोगे और उसके बाद जाके मैच कंफर्म करोगे। और यहां पर ट्रिपल एच आ जाते गुस्से के अंदर, एक बार फिर से वो रैंडी ऑर्टन को कन्फ्रंट करने आते हैं, उनके मुंह पे काफी तगड़ा मुक्का मारते हैं और रैंडी ऑर्टन यहां से रिंग को लीव करते हैं और काफी हंसते हुए यहां पर रैंडी ऑर्टन कहते हैं शायद इस मुक्के का मतलब ये था कि तुमने मेरा चैलेंज कर लिया है, एक्सेप्ट। फिर शार्लेट फ्लेयर वर्सेस लेसी एवेंस के बीच शो के ऊपर एक सिंगल सेक्शन होता है जहां पर इस मैच के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पहले रिक फ्लेयर रिंग साइड पे होते नहीं है, लेकिन अचानक से रिक फ्लेयर आते हैं रिंग साइड के ऊपर। शार्लेट फ्लेयर देखती है काफी गुस्से के अंदर रिक फ्लेयर के ऊपर और मैच के एंडिंग के अंदर जो रिक फ्लेयर है पूरी तरीके से लेसी एवेंस की मदद करते हैं और वो यहां पर जब शार्लेट फ्लेयर एक सुप्लेक्स टाइप देने चलती है लेसी एवेंस को गिरा देते हैं शार्लेट फ्लेयर को और पिनफॉल विक्ट्री से लेसी एवेंस हमें जीती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद जो लेसी एवेंस एंड शार्लेट फ्लेयर है दोनों हमें रिंग साइड के बाहर फिर टाइटोरियन के पास जाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद शो के ऊपर हम सभी क्या देखते हैं, जेफ फार्डी एंड जैक्सन राइकर के बीच एक सिंगल सेक्शन भी होता है। वैसे जो मैच था वो जेफ फार्डी वर्सेज अलायस के बीच होना था, लेकिन अलायस कहते हैं गिटार बजाते बजाते ये देखो तुम मेरी उंगली देखो, अंगूठे के अंदर मेरी चोट लग चुकी है, इसी के चलते आज मैं रेसल कर नहीं पाऊंगा और मेरे जो जगह है वो जैक्सन राइकर रेसल करेगा। जैक्सन राइकर काफी इजिली इस मैच के अंदर हमें जेफ फार्डी को हराते हुए नजर आते हैं जब आखिरी में वो एक लेवरेज पिन कर देते हैं अलायस की मदद से। और उसके बाद यहाँ पर जेफ फार्डी कहते हैं लगता है ऐसा है अलायस जो जैक्सन राइकर है वो तुमसे काफी ज्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पर जो अलायस वो भड़क जाते हैं, फिर वो जेफ फार्डी के खिलाफ एक और सिंगल सेक्शन लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो बताते हैं कि नहीं भाई मैं जैक्सन राइकर से काफी अच्छा हूँ और जेफ फार्डी की इस मैच में हो जाती है जीत, क्योंकि आखिरी में एक ट्विस्ट ऑफ फेट के बाद लगाते वो स्वॉन्टन बॉम अलायस को और इस मैच के अंदर हमें जेफ फार्डी की जीत दिखाई दे जाती है। फिर शो के ऊपर शेमस एंड कीथ ली वर्सेस
वर्सेज मिज एंड जॉन मॉरिसन के बीच एक टैग टीम एक्शन भी होता है। ये मैच हमें बैक स्टेज के ऊपर कंफर्म होता हुआ नजर आता है जब मिज एंड जॉन मॉरिसन हमें शेमस एंड कीथ ली को एक चैलेंज देते हुए नजर आते हैं। ये मैच काफी ज्यादा कमाल का जाता है। रिंग के बीचों बीच एक बॉच टाइप भी हो जाता है क्योंकि होता क्या एक्चुअली में कीथ ली भागते हुए आते हैं जॉन मॉरिसन को एक स्प्लैश टाइप देने के लिए कॉर्नर के ऊपर, लेकिन अचानक से जो रस्सियां वो टूट जाती हैं और एक अजीब सा बॉच टाइप मोमेंट हो जाता है। कीथ ली और शेमस एक दूसरे को देख के हंसते होते हैं कि भाई ये हो क्या गया। फिर एक कमर्शियल ब्रेक होती है और उसके बाद कुछ बंदे आते हैं और उस रस्सियों को सही से बांध देते हैं। फिर मैच के एंडिंग के अंदर हमें शेमस एंड कीथ ली की जीत दिखाई देती है। एंडिंग में हम लोग क्या देखते हैं, जो शेमस है जब कीथ ली अपना फिनिशर देने चलते हैं वो टैग कर लेते हैं तुरंत और आखिरी में ब्रो केक के बाद यहाँ पर शेमस एंड कीथ ली हमें जीतते हुए नजर आते हैं। उसके बाद मिस काफी ज्यादा अपसेट होते हैं, वो रिंग साइड पर बैठे होते हैं, लेकिन रिंग के बीचों बीच शेमस एंड कीथ ली के बीच काफी ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से कह सकता हूँ गुस्से में एकदम हो जाते हैं और यहाँ पर कीथ ली कहते हैं तुमने आखिर में मुझे टैग क्यों कर लिया। शेमस और ज्यादा भड़क जाते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच भी एक सिंगल सेक्शन शुरू हो जाता है। और ये जो मैच था काफी कमाल का मैच था, काफी एंटरटेनिंग मैच था। एंड मैच के एंडिंग के अंदर द लिमिटलेस कीथ ली स्पिरिट पावर बॉम्ब लगाते हैं और इस मैच को हमें जीतते हुए भी नजर आते हैं। इसके अलावा शो के ऊपर इसके बाद हमें द बिल गोल्डबर्ग के चैलेंज का रिस्पॉन्स देते हुए नजर आते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। बाकी आप में से जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं, आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे ड्रू मैकइंटायर इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। और ये जो न्यूज है करीबन 6 घंटे पहले निकलकर सामने आती मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से पहले कि ड्रू मैकइंटायर एंड जो रैंडी ऑर्टन के बीच सिंगल सेक्शन होने वाला था वो कैंसिल हो गया है और ड्रू मैकइंटायर अभी फिलहाल क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। वो रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर अभी फिलहाल जो न्यूज आ रही निकलकर सामने उसके हिसाब से हमें रेसल करते हुए नजर आएंगे। और इस वीडियो पैकेज के थ्रू हमें जो ड्रू मैकइंटायर है वो एक आंसर देते हुए नजर आते हैं गोल्डबर्ग को। यहाँ पर वो कहते हैं गोल्डबर्ग तुम पिछले हफ्ते आए थे तुम मेरे खिलाफ और तुमने एक चैंपियनशिप की डिमांड की थी और वहाँ पे जो सारे लेजेंड्स थे वो बैठे हुए देख रहे थे और तुमने ये कहा था कि मैं लेजेंड्स के डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ और बचपन से गोल्डबर्ग में तुम्हें देखते आ रहा हूँ कि इस तरीके से तुम लोगों को इधर उधर मारते हुए आ रहे हो। तुम काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मोस्ट पावरफुल डोमिनेंट रेसलर थे उस टाइम के, लेकिन अगर तुम मेरा फेस करोगे ना रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर तुम ये बात मान लो गोल्डबर्ग कि तुम अपने एक जवानी वाले वर्जन का फेस करने वाले हो और तुम्हारा जो चैलेंज है मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं और इसलिए तुम्हें एक रिस्पेक्ट वाला लेसन सिखाना जरूरी है। इसलिए मैं आऊंगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर और गोल्डबर्ग यू आर नेक्स्ट। और इसी तरीके से प्रोमो सेगमेंट खत्म होता है। फिर शो के ऊपर एक्सेवियर वुड वर्सेस टी बार के बीच एक सिंगल सेक्शन होता है। बीच में मुस्तफा अली वगैरह की तरफ से इंटरप्शन होती है और टी बार इस मैच के अंदर हमें हराते हुए नजर आते हैं इस बार एक्सेवियर वुड को। इसके बाद शो के ऊपर हम सभी क्या देखते हैं, बॉबी लैशली अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं इस बार द ओरिजिनल ब्रो मैट रिडल के खिलाफ। जी हाँ, ये US टाइटल का मैच था और इस मैच की स्टार्टिंग से जो बॉबी लैशली जैसे ही मैच स्टार्ट होता है मैट रिडल के ऊपर हावी हो जाते हैं, काफी बुरे तरीके से वो उन्हें मारते हुए नजर आते हैं और मैच काफी जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि आखिरी में क्या करते हैं वीपी लगा देते हैं अपना हर्ट लॉक और रिडल कुछ कर नहीं पाते हैं, वो कर देते हैं यहाँ पर टैप आउट और बुरी तरीके से यहाँ पर वो मैच में हमें हारते हुए नजर आते हैं। एक दो लाते तक वो मार नहीं पाए यहाँ पर बॉबी लैशली को, लेकिन यहाँ जो रिडल है उनके चेहरे से थोड़ा बहुत खून भी निकलता होता है। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं आज मैं तुम्हें नहीं हरा पाया लेकिन मैं MVP को जरूर से हरा दूंगा। और यहाँ पर जब बॉबी लैशली MVP जाते होते हैं फिर से MVP रिंग के अंदर आते हैं। फिर MVP वर्सेज रिडल के बीच हम सभी को एक सिंगल सेक्शन दिखाई देता है और इस मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो रिडल है वो रिंग साइड के ऊपर एक लात मार देते हैं बॉबी लैशली के फेस के ऊपर ताकि वो मैच में इंटरफेरेंस कर ना पाए। वैसे MVP भी काफी अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं मैच के अंदर, लेकिन उसके बाद बॉबी लैशली को गुस्सा आ जाता है और इस मैच के अंदर वो डिस्क्वालिफिकेशन से मैट रिडल को जिता देते हैं क्योंकि आखिरी में वो लगाते हैं मैट रिडल को स्पीयर और काफी बुरी हालत करके रख देते हैं इस मैच के बाद में वो मैट रिडल की। इसके बाद शो के ऊपर हम सभी को AJ स्टाइल्स वर्सेस ड्रू गुलाक के बीच एक सिंगल सेक्शन भी दिखाई देता है। ये मैच इसलिए होता है क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, जो एडम पियर्स हैं वो यहाँ पर AJ स्टाइल्स से बातें करते होते हैं कि इस तरीके से वो रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर एंटर हो रहे हैं एंड अब वो रोमन रेंस का भी फेस करने वाले हैं। तो AJ स्टाइल्स कहते हैं तुम अच्छी तरीके से तैयार रहना ताकि तुम रोमन रेंस जैसे अच्छे सुपरस्टार को हरा पाओ। फिर ड्रू गुलाक आते हैं और वो कहते हैं मैं ये बात अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं जो 13 मंथ्स रॉयल रंबल मैच होने वाला उसके अंदर एंटर होने वाला हूँ। एडम पियर्स कहते हैं देखो तुम कोई ब्रांड से बिलोंग करती हो ना, तुम रॉ में हो ना तुम स्मैकडाउन में हो, तो तुम रॉयल रंबल के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं हो पाओगे। इसी के चलते मैच होता है, ड्रू गुलाक कहते हैं अगर मैं AJ स्टाइल्स को हरा दूंगा तो मैं उसके अंदर एंटर हो जाऊंगा, लेकिन AJ स्टाइल्स की इस मैच के अंदर हो जाती है जीत और ड्रू गुलाक को आखिर में एक फिनोमिनल फोरआर्म के बाद हमें AJ स्टाइल्स हराते हुए नजर आते हैं। फिर शो के ऊपर एक टैग टीम एक्शन भी होता है जहां पर शेना बेसलर एंड नाया जैक्स हम सभी को मैंडी रोज एंड डायना ब्रूक का फेस करती हुई नजर आती है और मैच एंडिंग के अंदर हर बार की तरह शेना बेसलर एंड नाया जैक्स की हो जाती है जीत। फिर बढ़ते हैं हम लोग मेन इवेंट की तरफ जहां पर इस बार द किंग ऑफ द किंग्स द सुरेबल असैसिन ट्रिपल एच वही अपने पुराने वाले एंट्री करते हुए नजर आते हैं। और भाई आज की ट्रिपल एच की ये वाली एंट्री देखिए ना, मुझे तो पुराने दिनों की याद आ गई किस तरीके से मुंह में पानी भरते हैं फिर वो आते हैं
रस्सियों के पास उस पानी को थूकते हैं, मतलब एकदम पुरानी फीलिंग आ गई एकदम। मैं फुल साउंड करके टीवी का उनकी एंट्रेंस देख रहा था। फिर रैंडी ऑर्टन आते हैं, यहाँ पर रेफरी होते नहीं है लेकिन दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था हो जाती है शुरू। ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन को काफ़ी बुरे तरीके से मारते होते हैं, वो रिंग स्टैंड पर ले जाते हैं और जो स्टील स्टेप्स होती हैं उस पर भी धक्का दे देते हैं रैंडी ऑर्टन को, और रैंडी ऑर्टन के भी यहाँ चेहरे से थोड़ा बहुत खून निकलने लग जाता है। फिर यहाँ पर ट्रिपल एच जो रिंग स्टैंड के ऊपर अनाउंसर टेबल है उसके ऊपर भी रैंडी ऑर्टन का सिर पटकते हैं, वो उन्हें रिंग के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा रेफरी होते नहीं यानी कि मैच तो शुरू हुआ ही नहीं था। फिर यहाँ पर जो ट्रिपल एच है अपना हथौड़ा निकालते हैं रिंग स्टैंड से, और जैसे ही वो रिंग के अंदर जाते हैं अचानक से फीड के आने का जो ग्लिच है वो शुरू हो जाता है, सारी जो लाइटें वगैरह वो बंद होने लग जाती हैं। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन कुछ ट्रिपल एच को कहते हैं, शायद यही कहते होंगे भाई फीड आ रहा है तो मेरा साथ दे दे। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिपल एच है हाथ में उनके स्लज हैमर होता है, अचानक से लाइट्स ऑफ होती हैं और वो जो स्लज हैमर है उसके अंदर हमें आग लगती हुई नजर आती है। ट्रिपल एच देख के हैरान हो जाते हैं, उनके हाथ थोड़े बहुत कांपने लग जाते हैं, और उसके बाद फिर से जब लाइट्स ऑफ होती हैं देखते हैं हम क्या है कि रिंग के बीचों बीच से ट्रिपल एच जा चुके हैं। और जो फायरफ्लाई फनहाउस वाला गाना था कि वी रियली ग्लैड दैट यू आर आवर फ्रेंड, वो काफी भारी आवाज में काफी अजीब तरीके से हमें एक बंदा गाता हुआ नजर आता है। और उसके बाद अचानक से रिंग के बीच में रैंडी ऑर्टन जो है वो ट्रिपल एच को ढूंढते हैं, लेकिन पीछे उनके एलेक्सा ब्लिस खड़ी होती है। एलेक्सा ब्लिस को देखकर रैंडी ऑर्टन हैरान हो जाते हैं, फिर वो क्या करती हैं अपने गर्दन के पास वो अपना जो हाथ है वो दिखाती हैं जिसपे पेन लिखा होता है, और अचानक से उस हाथ से हमें एक आग से निकलती हुई नजर आती है जो कि सीधा रैंडी ऑर्टन की आंखों में जाके लड़ती है। आई नो ग्राफिकल था लेकिन ये जो स्टोरी लाइन थी काफी अच्छी लगी मुझे कि भाई यहाँ पर जो एलेक्सा ब्लिस है उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर टाइप यहाँ दिखाया गया है। और फीड की मेरे हिसाब से अब जो एंट्री होगी वो काफी धांसू होने वाली है, लेकिन रॉ का एपिसोड बस यहीं पर खत्म होता है और रैंडी ऑर्टन अपनी आंखों को लेकर पकड़ते हैं और इधर उधर वो रिंग के बीचों बीच जाते रहते हैं क्योंकि उनके आंखें जलती होती हैं। तो मैच शुरू हुआ नहीं था, ट्रिपल एच की एंट्री देख के काफी मजा आया। ओवरऑल जो शो था आई थिंक ठीक ठाक शो था, ज्यादा बेहतरीन भी नहीं था। ड्रू मैकइंटायर अगर शो के ऊपर होते तो वो चैंपियनशिप का एक नॉन टाइटल मैच होता, सॉरी चैंपियनशिप मैं बोल गया, नॉन टाइटल मैच होता ऑर्टन एंड मैकइंटायर के बीच, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से उस मैच की एंडिंग में भी यही चीज प्लान की होगी, लेकिन ट्रिपल एच शो के ऊपर काफी अच्छा लगा उनको काफी दिनों बाद देख के। लेकिन गाइज आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, आज के मंडे नाइट रॉक एपिसोड को मैं 5 स्टार में से 3.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बना कहीं मत जाना। आपको कैसा मंडे नाइट रॉक एपिसोड नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नवे तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जाने को मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।